सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस के बारे में, और आप में से कई होंगे जिन्होंने इस मामले के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा केस है जिस दिन रात में वेस्ट बंगाल के एक जिले में हथियारों की बारिश हुई थी। अब ये हथियारों की बारिश किस तरीके की थी ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ये बात है 17 दिसंबर 1995 की, यानी कि 1995, और जगह थी वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला। और इस जिले के रहने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब 17 दिसंबर की अगली सुबह वे अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो अपने आप में ही बेहद ही रहस्यमय और साथ ही साथ डराने वाला भी था। होता यह है कि 17 दिसंबर 1995 की रात को जब पुरुलिया जिले के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, तब एक सोवियत यूनियन ओरिजिन का एंटोनोव AN-26 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेहद ही रहस्यमय तरीके से भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में पड़ने वाले अलग अलग गांवों के खेतों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद ड्रॉप करके चले जाता है। और फिर जब अगले दिन 18 दिसंबर 1995 की सुबह पुरुलिया जिले के रहने वाले लोग अपने काम के लिए खेतों में जाते हैं तो वहां उन्हें कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं जो यूं ही इधर उधर गिरे होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपके खेत में भी इस तरह का कोई बॉक्स रहस्यमय तरीके से अचानक से आपको सुबह दिखता है तो हर किसी के अंदर ये जिज्ञासा रहेगी कि उस बॉक्स को खोलकर देखा जाए कि आखिर उसके अंदर है क्या। और बस इसी जिज्ञासा के चलते जब पुरुलिया गांव के लोग भी उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो उन बॉक्सेस के अंदर जो उन्हें दिखता है उससे उस जगह पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उनके अंदर बेहद ही अधिक क्वांटिटी में AK-47 असॉल्ट राइफल, उसका एम्यूनिशन, रॉकेट लॉन्चर, टैंक पर हमला करने वाले हथगोले यानी कि ग्रेनेड्स, 9mm की पिस्टल्स और नाइट विजन ग्लासेस जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट दिखते हैं। और जो एक खबर है ये इतनी तेजी से फैलती है कि लोग ये कहने लगते हैं कि भारत पर हमला होने वाला है। और जैसे ही ये बात पूरे गांव तक पहुंची तो सभी गांव वाले उस जगह पर टूट पड़े और वहां से हथियार ले जा ले जाकर अपने घरों में छिपाने लगे। और फिर जैसे ही पुलिस को इस मामले के बारे में पता लगा तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और फिर उन्होंने इसकी जानकारी अपने सीनियर्स तक पहुंचाई। और ऐसे करके ये जानकारी वेस्ट बंगाल के सीनियर ऑफिशियल से लेकर राजधानी दिल्ली में PMO ऑफिस तक पहुंच गई और हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और फिर क्या था, तुरंत ही PMO द्वारा मीटिंग बुलाई गई जिसमें IB और रॉ के ऑफिशियल्स भी शामिल थे और एक टीम तुरंत ही पुरुलिया जिले के लिए रवाना भी कर दी गई। और जैसे ही मालूम पड़ा कि हथियार गांव वाले भी चुरा के ले गए हैं तो फिर गांव-गांव जाकर हर एक घर की तलाशी ली गई और वहां से इन सारे हथियारों को इकट्ठा किया गया। और जब इकट्ठा करके इन सभी चीजों की काउंटिंग की गई तो उसमें करीब 300 AK-47 असॉल्ट राइफल थी, 15,000 उसके एम्यूनेशन थे, करीब 8 रॉकेट लॉन्चर थे, 9mm की पिस्टल, नाइट विजन ग्लासेस और जो हैंड ग्रेनेड्स थे उनकी संख्या तो इतनी ज्यादा थी कि उनकी काउंटिंग भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई। और फिर अब शुरू हुई इस मामले की जांच कि आखिर इतनी भारी मात्रा में ये हथियार, गोला बारूद इस जगह पर आए कैसे। और इसी छानबीन के दौरान जब स्थानीय लोगों से ही पूछा गया तो उनका ये कहना था कि रात में जब वे सो रहे थे तो उन्हें बहुत तेजी की आवाज आई, जैसे कि कोई प्लेन बहुत ही नीचे उड़ रहा हो। और चूंकि वो सारे बॉक्सेस खेतों में पड़े मिले थे, झाड़ियों में पड़े मिले थे, यानी कि ऐसी जगह पर थे जहाँ पे गाड़ियों से उन्हें वहाँ पर डिलीवर कर पाना मुश्किल था, तो इन्हीं सब चीजों को कंसिडर करके जब छानबीन हुई तो ये तो कन्फर्म हो गया था कि ये हथियार हवा से ही एयर ड्रॉप किए गए हैं। और फिर अब सवाल उठा कि आखिर ये हथियार ऊपर से गिराए किसने और आखिर क्यों। और जिस समय घटना हुई थी उस समय वेस्ट बंगाल के जो हालात थे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ, दंगे फसाद ये सब चल रहा था। तो मामले की छानबीन जारी थी और इसी में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात निकल के सामने आई कि जिस रात इन हथियारों को ड्रॉप करने वाला एयरक्राफ्ट भारत के हवाई क्षेत्र में घुसा था उसी दिन इत्तेफाक से हमारे अधिकतर रडार सिस्टम मेंटेनेंस के नाम से बंद थे, मतलब ये कहा गया था कि इन रडार सिस्टम की मेंटेनेंस चल रही है इसलिए ये एक्टिव नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि ये मामला किसी बाबा आदम के जमाने का है जब टेक्नोलॉजी हुआ ही नहीं करती थी, बल्कि ये 1995 का मामला है और उस समय हमारे पास भी इतनी टेक्नोलॉजी थी कि कोई एयरक्राफ्ट हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो हमें उसके बारे में पता होगा। और जैसा कि हमने कहा कि ये घटना जिस रात को हुई थी उस दिन मेंटेनेंस के नाम से अधिकतर रडार्स को बंद रखा गया था। अब क्या सारे रडार्स बंद थे, इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर वो कौन से एयरक्राफ्ट था जो इस क्षेत्र में घुसा और हथियार गिरा के चला गया अगर ये घटना नहीं हुई होती जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हुआ यह कि 17 दिसंबर से कुछ दिनों बाद थाईलैंड से कराची की तरफ जा रहा एक एयरक्राफ्ट जो कि मुंबई एयर स्पेस के ऊपर से होते हुए जा रहा था, तब उस समय उसकी जो हरकतें थी वो काफी संदिग्ध पाई गई थी।
यानी काफी सस्पिशियस एक्टिविटी उसमें देखी गई, और जबकि कुछ दिनों पहले ही हथियार गिराने वाला मामला हमारे देश में हो चुका था और ATC को भी इस एयरक्राफ्ट के बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो बस फिर हुआ यह कि इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर्स को उस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया, और जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट फोर्सफुली मुंबई में लैंड कराया गया। और जब उस एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर से पूछताछ की गई, तब जाकर ये बात मालूम पड़ेगी कि ये वही सेम एयरक्राफ्ट है जिसने वेस्ट बंगाल के फुलुरिया जिले में 17 दिसंबर की रात को हथियार गिराए थे। और बस फिर के हमारी एजेंसी की तरफ से कह दिया गया कि हथियार गिराने वालों को पकड़ लिया गया है, और उस प्लेन के अंदर टोटल 6 लोग थे, जिसमें से 5 लाटवियन सिटीजन थे जो कि यूरोप में पढ़ने वाली एक कंट्री है, और एक ब्रिटिश सिटीजन था जिसका नाम था पीटर ब्लीच। और फिर जब उस ब्रिटिश सिटीजन पीटर ब्लीच के बारे में छानबीन की गई, तब ये सामने आया कि ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट SAS का एक्स ऑपरेटिव था, जो कि बाद में जाके भाड़े का सैनिक बन गया, यानी कि पैसे लेके ये दूसरों के लिए काम करता था, और इसका नाम आर्म्स डीलिंग यानी कि हथियारों की डीलिंग में भी शामिल था, बल्कि इसका संबंध ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 से भी पाया गया था। और फिर जब इस मामले पे आगे और इन्वेस्टिगेशन हुई, तब ये बात निकल के सामने आई कि जो प्लेन मुंबई में फोर्सफुली लैंड कराया गया था, उस समय उस प्लेन में 6 नहीं बल्कि 7 लोग थे, 5 लाटविया के सिटीजन, एक ये ब्रिटेन का एक्स SAS ऑपरेटिव और माफिया, और एक 7वां व्यक्ति और था जिसका नाम था किम डेवी, और ये डेनमार्क का सिटीजन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब प्लेन में 7 थे तो फिर हमने 6 का नाम क्यों लिया। तो असल में जो 7वां बंदा था किम डेवी, इसको लेकर कहा जाता है कि ये काफी रहस्यमय तरीके से मुंबई एयरपोर्ट से फरार हो गया था, और फरार होकर ये पहुंच गया अपने देश डेनमार्क, और कहा यह जाता है कि इसको फरार करने में सरकार के ही किसी व्यक्ति का हाथ था, और इसमें ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के साथ रॉ का नाम भी आता है, और कहा यह जाता है कि इसको फरार करने में किसी MP ने मदद करी थी। हालांकि इसके साथ बाकी लोग फरार क्यों नहीं हुए, इसका तो कोई स्पष्ट जवाब मौजूद है नहीं। बस हाँ, ये दावा जरूर किया जाता है कि किम डेवी ने पीटर ब्लीच को भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि वो बाद में छूट जाएगा, क्योंकि उसके सोर्सेस ही इतने थे, और शायद ये बात उसने काफी सोच समझ के भी बोली थी, क्योंकि भले ही पहले तो इन 6 के 6 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, लेकिन सन 2000 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लाटविया सिटीजन की सजा को माफ कर दिया और उन्हें छोड़ दिया था, और फिर 2004 में ब्रिटेन के इस पीटर ब्लीच को भी आजाद कर दिया गया था और वो वापस अपने देश चला गया। लेकिन जो इस मामले का मेन एक्यूज था किम डेवी, जो कभी हाथ आया ही नहीं। हालांकि CBI ने उसकी काफी खोज करी, लेकिन वो मिलता तब जब वो भारत में होता, वो तो बहुत पहले ही डेनमार्क जा चुका था। पर इसे किम डेवी ने 2011 में एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया। उसका कहना था कि पुरुलिया में हथियार तो इंडिया की केंद्र सरकार ने ही गिरवाए थे, और इसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी शामिल थी, और ये हुआ था वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के आतंक से लोगों को बचाने के लिए। बंगाल में रेप और मर्डर में लोग तंग हो गए थे, और मैंने तो अपनी आंखों से अपने दोस्तों को मरते देखा था। बंगाल के लिए मैंने 15 साल काम किया है, गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, पर कम्युनिस्टों के अत्याचार को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, और 24 सांसदों ने तो प्रेसिडेंट को लिखा था कि इन अत्याचारों से लोगों को बचाओ, पर कुछ नहीं। बाद में केंद्र सरकार को ये समझ आया, त्रिपुरा में भी तो सरकार ने यही किया था। और ये सब बातें किम डेवी ने इस इंटरव्यू के दौरान कही थी, और इसी इंटरव्यू में किम डेवी ने यह भी खुलासा कर दिया कि वहां से भागने में एक MP ने ही उसकी मदद की थी, और उसी MP ने अपनी कार में उसे बॉर्डर क्रॉस करवाया था, जहां से पहले वो नेपाल गया और फिर नेपाल से डेनमार्क निकल गया। और फिर किम डेवी के इस दावे को काफी हद तक सच भी माना गया, क्योंकि अगर भारत को पता ही नहीं होता कि ये एयरक्राफ्ट आने वाला है, तो वो भारत के एयर स्पेस में घुस ही नहीं सकता था। और ये भी कहा गया कि 17 दिसंबर 1995 को घटना कुछ इस तरीके से हुई कि पहले ये एयरक्राफ्ट कराची से उड़ा, मुंबई पहुंचा, वहां पर तेल भरवा कर फिर बनारस आया, फिर उसके बाद पुरुलिया में हथियार गिराए, और 18 दिसंबर को कोलकाता चला गया, फिर वहां तेल लेकर थाईलैंड चला गया, और 21 दिसंबर को चेन्नई पहुंचा, और उसी रात फिर कराची जाने लगा। और जब कराची जा रहा था, तभी उसी समय इसे इंटरसेप्ट करके मुंबई में फोर्सफुली उतारा गया, और उस घटना में जो किम डेवी था वो भाग निकला, और कैसे भागा वो हम आपको बता ही चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि 2004 में जो ब्रिटेन के पीटर ब्लीच को माफ कर दिया गया था, वो भी ब्रिटेन के दबाव में आकर किया गया था। अब ब्रिटेन ने पता नहीं किस तरह का दबाव बनाया कि जो भारत सरकार को उसे छोड़ना पड़ा, और इस पूरे हथियार वाले कांड का जो गवाह था मंगला पटेल, उसकी भी 5 जनवरी 2014 को बिहार के क्यूल में लाश पाई गई, यानी कि उसका मर्डर हुआ था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाटविया के सिटीजन को क्यों रिहा किया गया, आखिर वो कैसे भारत पर प्रेशर बना सकते थे, तो हुआ यह था कि जो 5 लाटविया के सिटीजन थे, उन्होंने रशिया की नागरिकता ले ली थी, और फिर इसके बाद हो सकता है कि रशिया ने भारत पर प्रेशर बनाया हो उन्हें छोड़ने के लिए। और बीच में तो कुछ ऐसे भी दावे निकल के सामने आए थे जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है। कुछ ये तक कह रहे थे कि ये हथियार गलती से यहाँ गिर गए थे, हथियार बर्मा भेजे जाने थे, अमेरिका भेज रहा था, फिर कहा गया कि रशिया भेज रहा था, फिर कहा कि नॉर्थ ईस्ट के आतंकियों से निपटने के लिए ये हथियार इंडिया ने ही मंगवाए थे। और हमें तो ये लगता है कि CBI जो इस मामले की जांच कर रही थी, उनको तो ऐसे दावे सुनकर यही मन में आया होगा
क्या पहले ये कर लो, हम जांच बाद में कर लेंगे। खैर ये था पूरा मामला, लेकिन ये जो पूरा मामला था ये अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया और एक तरह की मिस्ट्री ये आज तक बना हुआ है। और ये सवाल ऐसे थे कि आज तक नहीं पता चला है कि ये हथियार भारत में किस मकसद से गिराए गए थे, या फिर इन हथियारों को किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। ना ही ये पता चला कि क्या ये हथियार भारत में ही गिराए जाने थे या फिर गलती से भारत में गिरे थे। इसके अलावा एक फॉरेन एयरक्राफ्ट भारत के एयर स्पेस में घुस जाता है और भारत के अथॉरिटीज को पता ही नहीं चलता है, क्या ऐसा कभी हो सकता है। और जिस दिन ये एयरक्राफ्ट हमारे क्षेत्र में घुसा उसी दिन भारत के महत्वपूर्ण रडार स्टेशन मेंटेनेंस पर थे। मतलब ये जो पूरा कांड है ये एक ऐसा सीक्रेट बन के रह गया है कि आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि इन हथियारों को वहाँ गिरा के आखिर वहाँ ऐसा क्या होने वाला था। क्योंकि जितनी अधिक संख्या में वहाँ हथियार मिले थे उनका इस्तेमाल करके उस राज्य सरकार के खिलाफ पूरा एक युद्ध छिड़ सकता था। और जबकि इन हथियारों की संख्या को लेकर जो दावे हैं वो भी अलग अलग हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि AK-47 के अलावा AK-56 राइफल भी उसमें थी, क्योंकि ये हथियार पुरुलिया जिले के करीब 4 अलग अलग गांवों में गिराए गए थे और एक बहुत बड़े एरिया में। और इसलिए कुछ दावे ये भी हैं कि AK-47 राइफल्स की संख्या करीब 700 थी और 16,000 से अधिक उन राइफल्स के राउंड्स थे, यानी कि उनकी गोलियां। हालांकि जब CBI इस मामले की जांच कर रही थी तो इसमें एक धार्मिक आध्यात्मिक संगठन आनंद मार्ग का भी नाम सामने आया था, क्योंकि आनंद मार्ग का जो बेस है वो पुरुलिया में ही स्थित है और ये आनंद मार्ग संस्था वेस्ट बंगाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हमेशा ही खिलाफ थी। तो इसलिए ये दावा किया जा रहा था कि ये सारी साजिश के पीछे यही संस्था है और इन्होंने ही हथियार मंगवाए हैं। लेकिन CBI की वाली रिपोर्ट को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। और जबकि एक थ्योरी ये भी थी कि ये जो हथियार थे असल में बांग्लादेश के विद्रोही ग्रुप के लिए थे, लेकिन भारत और बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बीच कंफ्यूज होके जो एयरक्राफ्ट का पायलट था उसने गलती से ये हथियार भारत के क्षेत्र में गिरा दिए थे। हालांकि फिर भी इससे ये बात साफ नहीं होती है कि ये एयरक्राफ्ट भारत के हवाई क्षेत्र में घुसा और भारत की अथॉरिटीज को पता क्यों नहीं चला। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप भी हमारे इस वीडियो पर लाइक की बारिश कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस कोर्ट के क्षेत्र में घुसी गए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना कहीं ना जाएं।